गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरा का पूरा देश, ना ही सिर्फ देश, पूरा का पूरा विश्व जो टोटल लॉकडाउन में। वेस्टिज हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता था कि हमने वेस्टिज को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि कोई भी संकट आए उसके अंदर से भी हम बिल्कुल शक्तिशाली और स्ट्रांग निकले, और स्ट्रांग हम तभी हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए। आगे समय बहुत बेहतर हमारे लिए होगा जिसके करके हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। दोस्तों, और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सब लोग इस टफ टाइम में भी वेस्टिजियंस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ना ही ना केवल ग्रोथ ले रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल गॉड से प्रे करूँगा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद अ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, कोविड-19 एक ग्लोबल चैलेंज बन के हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सारे वेस्टिजियंस एक साथ मिलकर के इसको ओवरकम करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। विश यू वेल्थ। दोस्तों, कोविड-19 हो या कुछ और, वेस्टिजियंस को ना आज तक कोई रोक पाया था, ना कभी कोई रोक पाएगा। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम आज भी मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही सही, हम आज भी आपके लिए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एसेंशियली सही, हम आज भी आपकी बिलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ही सही, हम आज भी अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, क्योंकि हम आज भी आपकी सेवा में तत्पर हैं लॉकडाउन कितना ही सही।
दोस्तों, क्योंकि वेस्टीज नहीं है एक व्यापार, यह है आपका और हमारा एक परिवार। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम होंगे कामयाब। कम जॉइन द वेल्थ रेवोल्यूशन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक मेरी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन आपकी विजिबल होगी और जो मेरी आवाज़ है वो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, यानी कि ऑडिबल होगी। अगर आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रही है तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। चलिए, दिस इज वेरी, थैंक यू वेरी मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम विकास सुकृती और आप लोग के बीच में एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम आप लोग जानते हैं कि डेली रोज आप लोग के लिए हम लोग तीन बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं, और अगर हम लोग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले जो मॉर्निंग में आपका स्टार्ट शुरुआत होती है वो होती है हमारे CNT यानी कि सेलर नरिशमेंट थेरेपी, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके साथ। तो मैं विकास सुकृती और जो हमारे को होस्ट हैं मिस्टर दीपक कुमार मिश्रा जी एरिया सेल्स मैनेजर UP और मिस विजिता देव जो कि हमारी नॉर्थ इंडिया की हेल्थ ट्रेनर हैं, तो हम तीनों आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है CNT। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, यानी कि सेलर नरिशमेंट थेरेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ये डिवाइड किया हम लोगों ने तीन पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी कि हमारे विश्व स्तरीय उत्पादों के बारे में। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट आएगा, तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे हमारे उस प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहा है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हम लोग को अपार संभावनाएं देता है, हम लोग को अवसर देता है जहां से कि हम लोग अपार पैसा कमा सकते हैं और अपने अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। अब जो इतने भी हमारे बीच में नए दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि कंपनी का प्रोफाइल इतना महत्वपूर्ण क्यों। तो दोस्तों, जिस भी कंपनी के साथ हम लोग जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। आपने भी अपने घर में देखा होगा कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है और हम उस बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, यानी कि उसका दाखिला करवाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस स्कूल के बारे में सारी जानकारी लेते हैं, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसे होती है, माहौल कैसा है, स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि बच्चे कितने परसेंट के साथ पास हो रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वहां पर बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। वैसे ही जब हम लोग किसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में भी सारी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट का कितना अनुभवी है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है, कंपनी के पास कौन कौन से अवार्ड्स हैं, कंपनी का रिकॉर्ड यानी कि कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ करी है, ये सारी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे और हमारे परिवार के भविष्य का सवाल होता है। तो जब भी ये सवाल आता है तो सबसे पहला सवाल कि कंपनी का नाम क्या है, तो दोस्तों कंपनी का नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे ही हम लोग सुनते हैं वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारे बीच में जितने भी नए दोस्त होंगे उनके मन में एक छोटा सा सवाल और आएगा कि इसमें वेस्टेज का मतलब क्या हुआ। तो वेस्टेज का मतलब होता है सफलता के पदचिन्ह। वेस्टेज का अगर हम लोग डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वेस्टेज का मतलब होता है रेत में पड़े हुए पैरों के निशान। तो अगर हम लोग बात करें वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की, तो एक कंपनी ऐसी कंपनी जिसने की एक सिस्टम बना रखा है और हम लोग को करना क्या है, बस उस सिस्टम को समझना है और उस सिस्टम को समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। यकीन मानिए, जब हम लोग सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सफलता हासिल करेंगे, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे जो सफलता के पदचिन्ह हैं उनको पहचानने, उनको समझने और उसके ऊपर चलते हुए हम लोग को सफलता हासिल करनी है। इसके साथ आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी टैगलाइन है जो लिखी है विश यू वेल्थ। इसमें जो वेल्थ स्पेलिंग है ये हमारे नए दोस्तों को थोड़ी सी अजीब से लग रही होगी कि वेल्थ हम लोग कहाँ से लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, वेल्थ हम लोगों ने बनाया है दो शब्दों को मिलाकर के, एक है वेलनेस और एक है वेल्थ। वेलनेस का मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, और वेल्थ का मतलब पैसा। और वेस्टेज के अंदर हम लोग यही काम तो करते हैं, हम लोग अपने और बाकी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, यानी कि सेहत का ध्यान रखते हुए पैसा कमाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख में वेस्टेज जिस मुकाम पे खड़ा है, जिस पोजीशन में खड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की काबिलियत, यानी कि वेस्टेज परिवार, यानी कि वेस्टिजियंस की काबिलियत की वजह से है, जो आज की तारीख में हम लोग भारत के अंदर 16 साल का एक बहुत ही बेहतरीन सफर तय करने के बाद नंबर 1 की पोजीशन में खड़े हैं। लेकिन
इसके साथ एक व्यक्ति और भी और एक सोच और भी है जिस वजह से हम लोग आज की तारीख में इस मुकाम पे खड़े हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप उस व्यक्ति से मिलने के लिए बिल्कुल आतुर हो रहे होंगे, यानी कि बेताब हो रहे होंगे। तो वो व्यक्ति है हमारे MD, हमारे फाउंडर मिस्टर पतम बाली जी, जिन्होंने सिर्फ एक सोच के साथ कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति को अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा होता है, सिर्फ इस सोच के साथ इन्होंने आज से 16 साल पहले यानी कि 2 जून 2004 को शुरुआत करी। अगर हम लोग बात करें अनुभव की तो मिस्टर बालीजी के पास लगभग 30 से 35 साल का अनुभव है इंडस्ट्री का। अब हम लोगों को अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा है और हम लोगों को अपने सपनों के ऊपर भी यकीन है, और यही वजह है कि हम लोग आज की तारीख में इस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के और कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, हमारी सपने बड़े हैं, मंजिलें बड़ी हैं, तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारियां भी बड़ी है। तो मिस्टर बालीजी ने क्या किया, उन्होंने टीम बनाई और अपनी जैसी सोच रखने वाले दो लोगों को अपने साथ जोड़ा, मिस्टर दीपक सूद जो कि हमारे कोफाउंडर और डायरेक्टर हैं सेल्स एंड ऑपरेशंस के, और मिस्टर कविरबीर सर जो कि हमारे कोफाउंडर और डायरेक्टर हैं IT के। और अगर हम लोग बात करें अनुभव की, तो जैसा कि आपको बताया कि मिस्टर बालीजी के पास लगभग से 35 साल का अनुभव है इंडस्ट्री का, मिस्टर दीपक सूद के पास लगभग 25 से 30 साल का अनुभव है इंडस्ट्री का, और मिस्टर कवरबीर सर के पास भी लगभग 25 से 30 साल का अनुभव है इंडस्ट्री का। यानी कि ये तीनों के तीनों पायनियर है इस इंडस्ट्री के, ये तीनों के तीनों ऐसे योद्धा है इस इंडस्ट्री के जिन्होंने की इस इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुभव लिया हुआ है। और जब ये तीनों मिले यानी कि जब एक टीम बनी, तो यकीन मानिए इन तीनों ने भारत के अंदर डायर सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांति लाने का काम किया। और साथ ही साथ उन्होंने काम किया, एक मुहिम शुरू की हम लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने की। तो देखते हैं ये शुरुआत कब हुई थी। तो जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि साल 2004 में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था उस समय हमारे दो ऑफिस हुआ करते थे, एक दिल्ली और एक बैंगलोर में। अगर हम लोग बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की यानी कि उत्पादों की, तो उस समय हमारे पास 10 उत्पाद हुआ करते थे। अगर हम लोग बात करें हमारे टीम साइज की यानी कि वेस्टिज परिवार की, तो वेस्टिज उस समय 6 लोगों का परिवार था। लेकिन आज 16 साल का सफर तय करने के बाद आज आप लोगों के पास 2500 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफिसेस पूरे भारत देश में खुल चुके हैं। इनफैक्ट आपके पास हर राज्य में अपना खुद का एक ब्रांच ऑफिस है, और लगभग हर जगह पे आपके पास DLCP और मिनी DLCPs हैं जो कि आप लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें हमारे उत्पादों की, तो आज हम लोगों के पास 300 से ज्यादा उत्पाद हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और अगर हम लोग बात करें हमारे वेस्टिज परिवार की, तो 6 लोगों का परिवार आज 2 करोड़ लोगों का परिवार बन चुका है, और ये परिवार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ वेस्टिज भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी है जो कि भारत से बाहर निकल करके विदेशों में भी अपने ऑफिस ओपन कर रही है। यानी कि हम लोग को अवसर दे रही है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम लोग विदेशों में भी अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, हम लोग वहां पे भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे ओवरसीज प्रेजेंस की यानी कि विदेशों में अपने ऑफिसेस की, तो आज की तारीख में आप लोग बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी और UAE जैसे देशों में अपने ऑफिस ओपन कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आप अपनी टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ आपको ध्यान होगा कि थाईलैंड में भी आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है, और इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि हम लोग 20 से ज्यादा देशों में अपने ऑफिस ओपन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारी सोच की, तो हम लोगों ने सिर्फ एक सोच के साथ शुरुआत की, और हमारी सोच ये है कि हम लोग हर एक उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो कि अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है। यानी कि वो व्यक्ति अपने खर्चों में नहीं फंसना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और अपनी जिंदगी अपनी खुद की शर्तों में जीना चाहता है। और इसके साथ हमारा लक्ष्य भी है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर वो बेंच मार्क्स बनाएं, वो चाइयां छुएं, यानी कि वो सारी की सारी उपलब्धियां हासिल करें जो कि आज तक कोई भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर पाई है। और क्या हम लोग ये काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग ये काम बिल्कुल कर रहे हैं, और आप लोगों की मेहनत की वजह से यानी कि वेस्टिज परिवार की मेहनत की वजह से और वेस्टिज मैनेजमेंट की एक दूरदर्शी सोच की वजह से हम लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर नए नए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे 2004-05 से लेकर 2018-19 तक के 15 साल के सफर की, तो हम लोगों ने निरंतर ग्रोथ करी है, यानी कि हम लोग निरंतर लगातार हम लोग आगे बढ़े हैं, और आगे भी नहीं बढ़े हैं, हम लोगों ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, यानी कि 79% क्यूमुलेटिव ग्रोथ के साथ हम लोगों ने तरक्की करी है। और 2018-19 एक समय ऐसा आया जबकि हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। अगर हम लोग बात करें बेंचमार्क की, तो 2018-19 में वेस्टिज 1850 करोड़ के टर्नओवर के साथ भारत के अंदर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाली एक कंपनी बनी। अब जो भी हमारे बीच में जितने भी हमारे बीच में नए दोस्त होंगे, वो सोच रहे होंगे कि वेस्टिज और वेस्टिज परिवार ये सारी की सारी उपलब्धियां, ये सारे के सारे बेंचमार्क्स, ये सारे के सारे तरक्की इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। तो वेस्टिजियंस ये सारी की सारी तरक्की, ये सारे सारे बेंचमार्क्स इतनी आसानी से इसलिए प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वेस्टिज के ढेर सारे फायदे हैं। अगर हम लोग वेस्टिज के फायदों की बात करें,
तो वेस्टिज हम लोग एक ऐसा अवसर देता है जहां पे कि हम लोग खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस में अगर हम लोग आर्थिक जोखिम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आर्थिक जोखिम लगभग लगभग ना के बराबर होते हैं। एक वेल ड्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, यानी कि अनुभवी लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो कि हम लोग की छोटी बड़ी सारी की सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारे पास जो 300 ज्यादा उत्पाद हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद है उसका हर एक उत्पाद विश्व स्तरीय गुणवत्ता का है, यानी कि वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ हम लोग को यहाँ पे इनकम में स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि आमदनी स्थिर रहती है, हाई रिटर्न्स मिलते हैं, रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल एक प्लेटफॉर्म है, ग्रेट इंसेंटिव्स हम लोग को यहाँ पे मिलते हैं। उसके साथ सबसे खास बात कि वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के महत्व को समझता है, इसलिए लगातार हम लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आता रहता है। अब सवाल उठता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इतना महत्व क्या है? तो दोस्तों आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बनना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेगा? वो डॉक्टरेट की पढ़ाई करेगा। किसी को वकील बनना है तो वो वकालत की पढ़ाई करेगा। इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। इसी प्रकार से जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सफलता हासिल करने के लिए हम लोग को अपनी स्किल्स को डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के मुताबिक ढालना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को निरंतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ते हैं। वेस्टिज मैनेजमेंट इस महत्व को समझता है, इस बात को जानता है, इसके लिए लगातार आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आते रहते हैं। और यही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम लोग के स्किल्स को डेवलप करने का काम करते हैं। और जब स्किल्स डेवलप होंगे, जब नए नए तरीके हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में काम करने के, तो यानी कि हम लोग उसके बाद सफल बनेंगे। और जब हम लोग सफल बनेंगे तो हम लोग को सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिलने स्टार्ट होंगे। हम लोगों ने बचपन में देखा, हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को सर्टिफिकेट्स मिले। 10वीं पास किया सर्टिफिकेट मिला, 12वीं पास किया सर्टिफिकेट मिला, ग्रेजुएशन पास की डिग्री मिली। वैसे ही जब आप लोग वेस्टिज के अंदर आगे बढ़ते गए तो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने आप लोग को सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स देने स्टार्ट किए। आज की तारीख में आप लोग जैसे के बहुत ही सम्मानित सदस्य हो। आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इकाइयां हैं, वो सारी की सारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड हैं और ये सर्टिफिकेट आपका हर साल रिन्यू होता है। इसके साथ आप लोग के पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का पुरस्कार है। ये पुरस्कार आप लोग को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड्स एंड लीडर्स हो एशिया के अंदर। आपकी जो वेस्टिज है वो ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। इसके साथ आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इकाइयां हैं, वो सारी की सारी GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड है। और उसके अंदर आपके जितने भी उत्पाद यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बनते हैं, वो सारे के सारे हलाल सर्टिफाइड है। इसके साथ 2012 में एक समय ऐसा आया कि जब वेस्टिज परिवार के हर एक सदस्य के लिए वो गर्व करने की एक मौका था। और अगर हम लोग उस मौके की बात करें, यानी कि उस क्षण की बात करें, उस पल की बात करें, तो उस समय हम लोगों की यानी कि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से हमारे अपने मिस्टर गौतम माली जी को हजारों CEOs के बीच में बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर दुनिया भर में हजारों लाखों कंपनीज काम कर रही हैं। और इन लाखों कंपनीज के बीच में आपकी वेस्टिज भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने की ग्लोबल 100 यानी कि दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनी में अपना नाम लिखवाया है। अगर हम लोग बात करें साल 2017-18 की, तो साल 2017-18 में हम लोग थे 92वें स्थान पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें साल 18-19 की, तो हम लोग ने एक लंबी छलांग लगाई और 63वें स्थान पे अपना नाम लिखवाया। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें साल 2019-20 की, तो इस साल आप लोगों ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, यानी कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और इस साल आप लोगों ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाते हुए दुनिया की टॉप 30 कंपनीज में अपना नाम लिखवा लिया है। बिल्कुल सही, वेस्टिज अब दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और दिन मानिए वो दिन दूर नहीं जबकि हम लोग अपना जो लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त कर लेंगे और 2023 तक की टॉप 10 कंपनीज में अपना नाम लिखवा देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग अपने आगे के अवार्ड्स की बात करें, तो आप लोग के पास बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड है साल 2017-18 का। ये अवार्ड हम लोग ने लगातार 2 साल जीता है ABP न्यूज हेल्थ कैप लीडरशिप अवार्ड में। इसके साथ IBC कॉर्पोरेट अवार्ड आप लोग के पास है इंडियाज बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, यानी कि भारत की जो सबसे बेहतरीन कंपनी है उसका अवार्ड हम लोग को मिला हुआ है साल 2017 का। ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड आप लोग के पास है साल 2019-20 का। साथ ही साथ नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 का अवार्ड आप लोग के पास है। ये अवार्ड आप लोग को वर्ल्ड HRD कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। ग्लोबल HR एक्सलेंस अवार्ड आप लोग के पास है साल 2019 का फॉर द बेस्ट वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस के लिए। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 का अवार्ड भी आप लोग के पास है। इसके बाद ये ऐसे सर्टिफिकेट्स आते हैं जो कि हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज और हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मिले हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टिज निरंतर आगे बढ़ते रहने का काम है और वेस्टिज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार के सारे नियमों को मानने वाली कंपनी है। और यही वजह है कि हम लोग लगातार अपने जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं यानी कि ISO सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपडेट करने का काम करते रहते हैं। तो आपके पास ISO 14001:2015 का सर्टिफिकेट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए।
आप लोगों के पास ISO 45001 2018 का सर्टिफिकेशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ISO 50001 2018 का सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ISO 27001 2013 का सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और इसके साथ जो आपका अपना खुद का सोनीपत का वेयर हाउस है उसके पास ISO 22001 2018 का सर्टिफिकेशन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आते हैं या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि विभिन्न पड़ाव आते हैं जो कि हमारी और हमारी टीम की ग्रोथ को दर्शाने का काम करते हैं। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें, इन पड़ावों की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके बाद जैसे ही हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी टीम मेहनत करती है, तो हम लोग बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर, उसके बाद गोल्ड, फिर स्टार, फिर डायमंड, फिर क्राउन, फिर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, फिर डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। अब बारी आती है हमारे इन 17 बेहतरीन लोगों की। ये 17 बेहतरीन लोग जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, यानी कि हमारे वेस्टिज के एम्बेसडर्स हैं, और ये वो लोग हैं जो न केवल खुद सफल हुए बल्कि अपनी ट्रेनिंग्स और अपने स्पीचेस के माध्यम से लगातार हम लोगों को भी मोटिवेट करते रहते हैं, लगातार हम लोगों को भी गाइड करते रहते हैं सफलता हासिल करने के लिए। इसके साथ आप लोगों के लिए हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता, और आप लोग सफल तब होंगे जब आप अपनी नॉलेज स्किल्स को मार्केट के कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपडेट कर पाओगे। इसलिए वेस्टिज भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो आप लोग के लिए साल भर में 24,000 से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आती है, जैसे कि आज का आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। इसके साथ दोस्तों हम लोग एक बात और कहते हैं कि वेस्टिज के अंदर सफलता हासिल करने के लिए हम लोग को सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, और यही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कि हम लोग को सिस्टम की जानकारी दी जाती है। आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है VIP, यानी कि वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहाँ पे कि आप लोग को वेस्टिज के सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाती है, आपको बताया जाता है कि वेस्टिज का सिस्टम क्या है, किस प्रकार से सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, वो कौन सी गलतियां हैं हम लोग को जो नहीं करनी, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोग को लेने हैं, उठाने हैं, और किस प्रकार से अपनी टीम को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है। आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है वेस्टिज हेल्थ केयर ट्रेनिंग, वेस्टिज हेल्थ केयर ट्रेनिंग जो आपकी होती है उसमें आप लोगों को वेस्टिज के सप्लीमेंट्स के बारे में सही जानकारी दी जाती है, आपको बताया जाता है कि किस सप्लीमेंट को किस प्रकार से इस्तेमाल करके रिकमेंड करके हम लोग बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आप लोगों के लिए हम लोग बिजनेस टूल्स लेकर के आते हैं, ये टूल्स आपके बिजनेस को सपोर्ट करने में, आगे बढ़ाने में हम लोगों की मदद करते हैं। कैसे करते हैं, तो सपोज मानिए हम लोग किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और उसको वेस्टिज के अवसर के बारे में, यानी कि वेस्टिज की अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि वेस्टिज परिवार में कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि आज की तारीख में घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके बिजनेस आइकन्स बन चुकी हैं, तो उनकी सफलता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग शो करते हैं वेस्टिज लीडिंग लेडीज बुक। अगर हम लोग बताते हैं कि वेस्टिज परिवार में लगभग 7,000 परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो कि अपनी खुद की सपनों की कार वेस्टिज के माध्यम से ले चुके हैं, तो उनकी सफलता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग शो करते हैं कार बुक। यानी कि यही वो सारे के सारे टूल्स हैं जो कि हमारी बात को सपोर्ट करने में हमारी मदद करते हैं और हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों में ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। दोस्तों जब बिजनेस नई ऊंचाइयों में जाएगा तो उसके बाद हम लोग अचीवमेंट हासिल करेंगे, जब हम लोग अचीवमेंट हासिल करेंगे तो उस अचीवमेंट का रिकॉग्निशन और सेलिब्रेशन होना चाहिए। इसके लिए वेस्टिज आप लोग के लिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम लेकर के आती है, आपका वेस्टिज अवार्ड फंक्शन, जहां पे कि आपकी सफलता को हजारों वेस्टिज परिवार के सदस्यों के बीच में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं, इसके साथ आपको वहां पे सम्मानित करते हैं। हर महीने की 2 तारीख को आप लोग के लिए चैंपियंस डे लेकर के आते हैं, चैंपियंस डे में हम लोग सम्मानित करते हैं परिवार के हर एक सदस्य को जिसने लास्ट मंथ में अचीवमेंट्स करी होती है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल की, और प्रोडक्ट प्रोफाइल में हम लोग समझेंगे कि जो हमारे विश्व स्तरीय उत्पाद हैं वो किस प्रकार से हम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारी फैक्ट्रीज कहाँ पे, हमारे उत्पाद बनते कहाँ पे हैं। जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी खुद की 1.25 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है मध्य प्रदेश के बद्दी में, जहाँ पे कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स बनाया करते हैं। हमारा खुद का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हमारा खुद का R&D डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लगातार अपडेट करने का काम करते रहते हैं और साथ साथ उस गुणवत्ता को निरंतर आगे बनाए रखने का काम करते रहते हैं। इसके साथ आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज है, इकाइयां हैं, वो सारी की सारी GMP सर्टिफाइड है, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है, और उसके अंदर आपके जितने भी उत्पाद, यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बनते हैं, वो सारे के सारे हलाल सर्टिफाइड है। अब दोस्तों उसके बाद बारी आती है हमारी कैटेगरीज की, हमारे प्रोडक्ट्स की। तो हमारे पास है 14 कैटेगरीज, और 14 कैटेगरीज में हमारे पास 300 से ज्यादा उत्पाद हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो हेल्थ केयर और पर्सनल केयर, ये दो कैटेगरीज ऐसी आती है जिसमें कि हमारे पास सब कैटेगरी है। इसके साथ ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्री प्रोडक्ट्स, ऑडियो बुक्स, और दोस्तों हेल्थ की, यानी कि हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स की,
तो उसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए सबसे उपयुक्त पर्सनैलिटी वो होंगे जो कि हमारे हेल्थ केयर ट्रेनर होंगे। तो आप लोग की जोरदार हैंड रेज और आप लोग के जोरदार यस के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नॉर्थ इंडिया की हेल्थ ट्रेनर मिस रिजिता देव जी को। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रिजिता देव, बाय प्रोफेशन डाइटिशियन हूँ वेस्टीज में। मैं एज अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, आपके लिए स्पेशल हेल्थ प्रोडक्ट की जानकारी लेके आती हूँ जिससे कि आप बेहतर स्वास्थ्य को पा सकें और साथ ही साथ ये भी जान सकें कि ये विश्व स्तरीय प्रोडक्ट आपको कैसे मदद कर सकते हैं। सो आज की सीएनटी में हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो जानेंगे कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट है क्या। तो सबसे पहले बात करें कि वेस्टीज के हेल्थ केयर कैटेगरी में ज्यादातर आते क्या है, ये आते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स होते हैं पोषण पूरक आहार, यानी आपके खाने में जो पोषण की कमी हो रही है या आपके शरीर को जो अतिरिक्त पोषण चाहिए या फिर आपके शरीर में पोषण की कमी रह गई है तो उसको दूर करने का काम कौन करेगा? वो करेगा आपका सप्लीमेंट, राइट? इसीलिए इसे पोषण पूरक आहार कहते हैं। और हम सबको पता है कि अगर आज हमारे शरीर में पोषण की कमी है तो क्या होगा, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। 90% बीमारियों की जड़ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी है। सो इसके लिए इस कैटेगरी में जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो है प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी की बात करें तो सबसे खास, सबसे उम्दा, सबसे स्पेशल प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपके प्राइम कैटेगरी में आते हैं। प्राइम कैटेगरी की बात करें तो जो सबसे पहला शानदार प्रोडक्ट है इसमें वो है क्रिल ऑयल। क्रिल की बात करें तो क्रिल क्या है? क्रिल झींगे नुमा मछली है जो गहरे ठंडे समुद्र में पाया जाता है। इसमें फॉस्फोलिपिड मौजूद है, ईपीए और डीएचए है, डीएचए जिसे ब्रेन का सीमेंट कहते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जिसे एस्थाजांथिन के नाम से जाना जाता है वो इसमें मौजूद है, राइट? क्या करेगा? ओवरऑल आपकी बॉडी को बेटर करने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें मौजूद जो फॉस्फोलिपिड है वो बेहतर तरीके से कोशिकाओं में अवशोषित होता है, और अगर कोई चीज पूरी तरीके से अवशोषित होगी तो क्या होगा, पूरे फायदे देगी। हृदय संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, ब्लड के क्लॉट को, खून के थक्के को जमने से रोकने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक तरह से देखे तो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। 3 साल के ऊपर के बच्चों को आप क्रिल ऑयल दे सकते हैं उनकी इम्यूनिटी, उनकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं प्राइम कंबाइटेक्स की। कंबाइटेक्स की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्मेशन है, यानी एक कैप्सूल लीजिए दूसरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्या खासियत है? बाहर वाली कैप्सूल में आपको मिलता है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, यानी वो पोषण जो हमारे खाने से हमें नहीं मिल पा रहा है लेकिन शरीर को हर क्रिया के करने के लिए उसकी आवश्यकता है। सो वो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल हमें कॉम्बाइटिक से मिलता है, और साथ ही साथ मिलता है प्री एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक की बात करें तो प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक वो अच्छे बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया जो आपके खाने को बेहतर करते हैं, बेहतर तरीके से आपके शरीर में पोषण को अवशोषित कराते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं। सो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी पोषण भी दे रहा है और साथ ही साथ उसको बेहतर तरीके से अवशोषित कराने में और पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है कॉम्बाइटिक्स। और खास बात कॉम्बाइटिक्स की ये है कि आपके कॉम्बाइटिक्स में ज्यादातर के पोषण को पूरा करके रखा गया है, और कुछ एक तो 100% तक पूरे है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B12, ये RDA के हिसाब से आपके 100% तक पूरे हैं। सो अब अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न के बारे में अगर हम बात करें तो आज के समय में बहुत ज्यादा बात हो रही है सी बकथॉर्न के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें गुड़ ही ऐसे हैं, 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं एक छोटी सी बेरी में जो बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, जख्म को जल्दी भरने में मदद करेगा, स्किन की क्वालिटी को भी बेहतर करेगा, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी भी है। अगर एक तरह से देखें तो सी बकथॉर्न आपकी बॉडी को एक्टिवनेस देने में मदद करता है और साथ ही साथ आपको अदर बेनिफिट भी देता है।
तो चलिए अब बात करते हैं मेटा माइंड की। नया लॉन्च प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार है। मेटा माइंड यानी माइंड पर काम करता है, माइंड को शार्प करता है। आपने आज के समय की बात अगर हम करें तो आज क्या कहा जाता है, हार्ड वर्क काफी नहीं है, आज कैसा काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये स्मार्ट वर्क हम करेंगे कैसे अगर हमें चीजें याद ही नहीं रहती हैं? सो उसमें मदद करेगा आपका मेटा माइंड। अगर स्टूडेंट है तो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग बिहेवियर, स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करेगा। हम सबको पता है कि आज बच्चों पर कितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस का हो, चाहे वो करियर का हो। तो उनके स्ट्रेस को रिलीव करने में, उनकी मेंटेनशन को कि वो जो पढ़े वो उन्हें याद रहे और जल्दी वो चीजों को समझ पाए, सीख पाए, तो वो सारी खासियत, वो सारी काबिलियत उन्हें कौन दे सकता है? मेटा माइंड दे सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें, अगर आप काम करते हैं तो आज के समय में प्रेशर क्या बढ़ता जा रहा है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करिए, कुछ अलग करके दिखाइए, फोकस को बेहतर करिए, मेमोरी को शार्प करिए, और ये सारी क्वालिटी आपको देगा मेटा माइंड। बड़े लोगों की अगर हम बात करें तो डिमेंशिया जैसी शिकायत, डिमेंशिया जिसमें एज के साथ चीजें भूलने लगते हैं, कई बार तो बड़े अपना नाम और अपना घर तक भूल जाते हैं। सो इस जैसी दिक्कतों से भी बचाने में आपकी मेटा माइंड मदद कर सकता है। सो ओवरऑल एक तरह से हम बात करें तो ये माइंड को बेहतर करने में मदद करेगा। 12 साल के बाद आप मेटा माइंड दे सकते हैं और सिर्फ एक टैबलेट, राइट, एक चेवेबल टैबलेट है, आप इसे अच्छे से चबा कर खा सकते हैं और माइंड को शार्प कर सकते हैं, राइट। सो ये बात हुई मेटा माइंड की। अब चलिए अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्सट्रैक्ट एफ। एक्सट्रैक्ट एफ की बात करें तो इसमें है 13 फलों का अनोखा मिश्रण, अनोखा मिश्रण है 13 फलों का और रंगीन फल है, रेनबो फल, डाइट, राइट, रेनबो डाइट आपने सुनी होगी, जिसमें कहते हैं अलग अलग रंगों की चीजें हमें खानी चाहिए क्योंकि हर रंग कुछ कहता तो है लेकिन साथ ही साथ हर रंग कुछ करता भी है। जैसे लाल आपके हृदय के लिए अच्छा है, सफेद आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। तो एक्सट्रैक्ट एफ में 13 फलों का मिश्रण है अनोखा, जो एंटीऑक्सीडेंट फाइबर से भरपूर है, आपको अच्छी विटामिन और मिनरल देता है आपकी बॉडी। एक्सट्रैक्ट एफ की अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्ट एफ आपके वेजिटेबल्स का मिश्रण है, 7 प्रकार की वेजिटेबल्स इसमें मौजूद हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खास तौर से, जो फाइटोकेमिकल्स, क्लोरोफिल और फाइबर से रिच है, आपके पेट को ज्यादा लंबे समय तक भरा रखती हैं और साथ ही साथ आपको एसेंशियल विटामिन और मिनरल का भी बूस्ट देती है, राइट। सो यहाँ तक हमने बात करी किसकी, प्राइम कैटेगरी की। अब बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट। आज आप चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, हर जगह क्या बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, हर कोई क्या कह रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि COVID-19 की अभी ना कोई मेडिसिन बनी है और ना ही कोई वैक्सीनेशन आई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज क्या है? वो इलाज है आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए वेस्टीज आपके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट लेके आता है और उसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है नोनी। नोनी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बेहतर करता है, साथ ही साथ कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने में मदद करता है। इसमें मौजूद होता है जेरोनाइन, जो कोशिकाओं के छिद्रों को खोलता है और पोषण को बेहतर तरीके से अवशोषित कराने में मदद करता है। अगर इसे आसान भाषा में बताऊं या फिर आपको याद रखने की ट्रिक बताऊं तो कहते हैं जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। अखरोट देखिए कैसे दिखता है, दिमाग की तरह। गाजर के पतले स्लाइस करिए, कैसे दिखता है, आंखों की पुतली की तरह। जरा नोनी की तस्वीर ध्यान से देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, कैसे दिख रही है, आपके कोशिका और कोशिका में छिद्रों की तरह। तो नोनी किस पे काम करेगा, कोशिकाओं के छिद्रों को खुलने का काम करेगा, और एक बार कोशिकाओं के छिद्र खुल जाएंगे तो होगा क्या, पोषण बेहतर तरीके से अवशोषित तो होगा, श्वास संबंधित दिक्कतों को दूर करने में यह आपकी मदद करेगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है या फिर पाचन तंत्र में किसी की गड़बड़ी है, इन सारे केसेस में आप किसे दे सकते हैं, नोनी आपकी मदद कर सकता है। अब बात करते हैं स्पायरलोना। ज्यादातर वेस्टिजियंस के, यूं कहूं कि हम सारे वेस्टिजियंस का बड़ा ही फेवरेट प्रोडक्ट है स्पायरलोना।
न्यूट्रिएंट का पावर हाउस माना जाता है, इसे पोषण का पावर हाउस माना जाता है। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है इसमें मौजूद, इकलौता प्लांट सोर्स है ये ऐसा जिसमें इतना सारा पोषण मौजूद है। बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, आयरन, विटामिन B12, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, ये सारे इसमें मौजूद है। इसकी पोषण की प्रोफाइल को देखते हुए ही इसे सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। फ्यूचर फूड भी इसे कहा जाता है, यानी आने वाले समय का खाना है ये। अब बात करें कोलेस्ट्रम की, तो वेस्टीज का कोलेस्ट्रम बना है बोवाइन कोलेस्ट्रम। बोवाइन कोलेस्ट्रम यानी गाय के पहले गाढ़े पीले दूध से, जिसे खीस या पीयूष भी आप कहते हैं और अलग अलग लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहा जाता है, लेकिन हर जगह गौ पीयूष या खीस की बात करें तो उसे बहुत खास माना जाता है। क्यों खास माना जाता है? क्योंकि ये आपको सेहतमंद रखने में मदद करता है। अगर इसे मेच्योर मिल्क से कंपेयर किया जाए तो पाया जाता है कि कोलेस्ट्रम में ज्यादा पोषक तत्व मौजूद है। इसे बेस्ट नेचुरल फूड सप्लीमेंट का दर्जा मिला हुआ है। बेस्ट नेचुरल फूड सप्लीमेंट है ये, स्ट्रेंथ को बेहतर करता है, ताकत को बेहतर करता है, लीन मास को बिल्डअप करता है, फैट को बर्न करने में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और साथ ही साथ हीलिंग पावर को बढ़ाता है, आपको जल्दी ठीक होने में मदद करता है। कोलेस्ट्रम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। 3 साल के ऊपर के बच्चों को जिनकी डाइजेशन पावर अच्छी है आप उन्हें कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, राइट? 3 साल के बाद अगर डाइजेशन पावर अच्छी है तो आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं और आज के समय में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कोलेस्ट्रम, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बड़ी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो अब बात करते हैं एलोवेरा की। एलोवेरा एक ठंडा प्रोडक्ट है, सदियों से हम सब यूज करते आ रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बेहतर करता ही करता है, साथ में पाचन क्रिया को बेहतर करता है। अगर कब्जियत की शिकायत है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है या फिर बार बार कुछ भी खाते ही मोशन जाना पड़ रहा है, तो आपके पाचन क्रिया को बेहतर करने में एलोवेरा मदद करता है। इसके अलावा शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है और एजिंग के साइंस को भी कम करता है, स्किन को समय से पहले झुर्रियां नहीं आने देता, टाइटनिंग में मदद करता है। आयुर्वेदा में एलोवेरा को कहते हैं घृत कुमारी। क्या कहते हैं? घृत कुमारी। सो यानी आपको कौमार्य देने में, आपको यंग रखने में कौन मदद कर सकता है? एलोवेरा मदद करता है। चलिए, एलोवेरा के साथ हमेशा आता है आंवला। आंवला की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करती है, प्री मेच्योर एजिंग से प्रिवेंट करती है, विटामिन सी इसमें मौजूद है, जो सर्दी जुकाम से नेचुरली लड़ने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करती है, साथ ही साथ एसिडिटी को कम करके पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करती है, लीवर के फंक्शन को बेहतर करती है, स्किन को और बालों को भी अच्छा करने में आंवला आपकी मदद कर सकता है। और खास तौर से आज के समय में जरूरी है कि आप ऐसी सभी चीजें लें जिससे आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल सके, क्योंकि कोविड 19 से लड़ने के लिए जो एक विटामिन रिकमेंड किया जा रहा है खास तौर से वो है विटामिन सी, राइट? सो विटामिन सी के लिए आप जो है आंवला ले सकते हैं, आपको बायोटेक्स ले सकते हैं, आप सी बकथॉर्न ले सकते हैं, राइट? इन सब में क्या है, अच्छी मात्रा में विटामिन सी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं प्रो हार्ट, हृदय संबंधित प्रोडक्ट की। हृदय और वैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बनाते हैं। वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स, दिल धड़कता है पंप की तरह और ब्लड वेसल्स जो है खून को पहुंचाती हैं टिश्यूज में आपके कोशिकाओं तक, राइट? और ये ब्लड पोषण को, हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं कोशिकाओं तक, तो इनका सेहतमंद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनको सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट वेस्टीज लेके आता है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो फ्लैक्स सीड ऑयल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है, जो हृदय संबंधित बीमारियों से बचाता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। प्रिवेंशन, रोकथाम की तरह और उपचार की तरह हृदय संबंधित दिक्कतों में आप इसे दे सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और सबसे खास बात, शुगर के लेवल को भी ये कम कर सकता है, और खास तौर से जो खाना खाने के बाद शुगर का लेवल बढ़ जाता है उसे कंट्रोल करने में भी फ्लैक्स ऑयल मदद करता है।
LRG9 की बात करें तो LRG9 में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो नसों को खोलने का, नसों को मुलायम करने का या नसों को लचीला बनाता है। यानी अगर वेन्स रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो LRG9 आपकी मदद कर सकता है। नसों को खोलेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, जख्म को जल्दी भरने में ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर आपको थकान कमजोरी महसूस होती है जल्दी तो उसमें भी LRG9 आपकी मदद कर सकता है। कोएंजाइम Q10 की अगर हम बात करें तो कोएंजाइम Q10 आपके नेचुरली अकरिंग विटामिन लाइक सब्सटेंस है जो आपकी कोशिकाओं में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया जो जिसे कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर कोएंजाइम Q10 नहीं मौजूद है। आपके हृदय लगातार काम करता है, हृदय कब से धड़कना शुरू करता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो जो पहली धड़ अंग बनता है, जो सबसे पहले सुनाई देता है वो क्या है, दिल, दिल की धड़कन, तब से दिल धड़कना शुरू करता है और कब तक धड़कता रहता है, ता उम्र धड़कता रहता है, राइट। सो हृदय की कोशिकाओं को एनर्जी देने में कोएंजाइम Q10 मदद करता है, और सिर्फ हृदय की कोशिकाओं को नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी को एनर्जी देने में कोएंजाइम Q10 मदद करता है। डैमेज हो गई है कोशिकाएं जो फ्री रेडिकल के कारण, उनको बचाने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, इन्फ्लेमेशन और लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी कोएंजाइम Q10 बेहतर करता है। सो ओवरऑल आप इसे सिर्फ और सिर्फ हृदय के लिए अच्छा नहीं मानिए, ये आपको एनर्जी का भी प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने में भी मदद करेगा, स्पेशली जो 35 साल के बाद आप में एनर्जी कम होने लगती है उसको बेहतर करने के लिए कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बात करते हैं कोकोनट ऑयल कैप्सूल की। कोकोनट ऑयल कैप्सूल वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलकर बना हुआ है, मीडियम चेन फैटी एसिड्स है इसमें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से हमें बचाता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करके पाचन क्रिया को बेहतर करता है, दिमाग को त्वरित ऊर्जा देता है। यानी दिल और दिमाग दोनों ही ज्यादा कोई लगाता हो तो उसे आप क्या दे सकते हैं, कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं, वजन को कम करने में भी आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट। आज शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर घर में आपको एक ना एक डायबिटीज का पेशेंट मिल ही जाएगा, शुगर का पेशेंट मिल ही जाएगा। शुगर को क्या कहते हैं, ये एक चोर बीमारी है जो दबे पांव आती है लेकिन सेहत को खराब करके चली जाती है, आती तो अकेले है लेकिन अपने साथ और बीमारियों को भी दे जाती है। उसमें आता है सबसे पहले वेस्टीज का नीम। नीम की हम बात करें तो ये एंटी डायबिटिक पोटेंशियल रखता है, यानी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा इंसुलिन के यूज को 30-50% तक घटा सकता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, स्किन में अगर कोई भी समस्या है तो उसे भी दूर करने में नीम आपकी मदद कर सकता है। स्टीविया की बात करें तो स्टीविया क्या है, स्टीविया शुगर रिप्लेसर है, सफेद चीनी की जगह या चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 300 गुना ज्यादा मीठी है चीनी से, लेकिन कोई अतिरिक्त कैलोरी नहीं देती और आपके शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज का लेवल भी नहीं बढ़ाती आपके खून में, यानी डायबिटीज को नहीं बढ़ाती है, राइट। स्वीटनर की तरह यूज कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक है, शुगर के कंट्रोल करने में मदद करती है, हृदय के लिए टॉनिक की तरह काम करता है स्टीविया। स्टीविया क्या है, शुगर रिप्लेसर है। अब आपका चाय पीने का मन हो या फिर आप हलवा खाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब बात करें हम फिटनेस एंड डाइट की। फिट रहना हम सब चाहते हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि फिट रहने के लिए करते क्या है, आंसर आता है कुछ नहीं, राइट। फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिट रहने के लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है प्रोटीन पाउडर। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, वे प्रोटीन सोया आइसोलेट है, लो इन फैट है, हाई इन प्रोटीन, आसानी से पचने वाला और वजन को मैनेज करने वाला है आपका प्रोटीन पाउडर। यानी आपको ओवरऑल जो आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है उसे पूरा करने में मदद करता है। और प्रोटीन कैसे काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह
काम करते हैं। अब बात करें ओबेसिटी की, तो मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आ चुकी है डायबिटीज में, आपके ओबेसिटी में टॉप 3 कंट्रीज में मोटापे में आ चुकी है। और हमें पता है कि मोटापा ज्यादातर रोगों की जननी बन चुकी है। सो मोटापे को कम करने के लिए वेस्टीज आपके लिए खास तौर से लेके आता है वेस्लिम रेंज। वेस्लिम रेंज की बात करें तो वेस्लिम रेंज में सबसे पहले आता है वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक ये मील रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसर है। आपको अपने खाने की जगह, खाने को हटाकर उसकी जगह किसका इस्तेमाल करना है, वेस्लिम शेक का इस्तेमाल करना है। ये आपको विटामिन मिनरल देगा, प्रोटीन देगा, फाइबर देगा, वो सारी चीजें देगा। कैसे है, क्या नहीं देगा, अतिरिक्त कैलोरी और अतिरिक्त वसा जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे मील रिप्लेसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए है जो वजन को कम करना चाहते हैं या फिर अपने वजन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कैप्सूल की, तो एक 4 पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट्स से क्या करता है, भूख को कंट्रोल करता है लेकिन पोषण से समझौता नहीं करता, यानी आपको पोषण भरपूर देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। पोषण पूरा देगा जिसकी आपको आवश्यकता है लेकिन क्या नहीं देगा, आपको अतिरिक्त पेट को जल्दी भर देगा, पेट जो है वो भर जाएगा, राइट। इसके साथ ही साथ ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरीज को बर्न करने में भी आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं वेस्लिम टी की, तो वेस्लिम टी बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है चाय कॉफी एरिएटेड बेवरेजेस का। कोल्ड ड्रिंक्स जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है, चाय या कॉफी को हटाकर आप वेस्लिम टी ले सकते हैं। क्या करेगा, डिलीशियस लेमन हनी का फ्लेवर है, आपको रिफ्रेश करेगा, रिवाइटलाइज करेगा और आपको बेहतर महसूस कराएगा, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा, राइट। अब बात करते हैं डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन की। डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी बॉडी अगर टॉक्सिन्स फ्री रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो अगर कहीं गंदगी जमी है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बीमारी आएगी या दिक्कत परेशानी आएगी, राइट। सो बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है कर्क्यूमिन प्लस। कर्क्यूमिन की अगर हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, कीमोथेरेपी में सपोर्ट कर सकता है। आप सबको पता है कि कीमोथेरेपी कौन से केस में होती है, राइट। और कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर होता ही क्यों है, क्योंकि कोशिकाओं में अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, कोशिकाएं स्वस्थ नहीं रह पाती। कर्क्यूमिन प्लस क्या करता है, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही साथ अर्थराइटिस और हार्ट डिजीजेस से भी बचाता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट कर सकता है कर्क्यूमिन प्लस। अब बात करते हैं ग्यानोडर्मा की, तो ग्यानोडर्मा एक तरीके का मशरूम है। ये मशरूम क्या करता है, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये स्कैनर की तरह काम करता है, आपकी बॉडी में जाकर स्कैन करता है कोशिकाओं को, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे दूर करने में मदद करता है, प्लेटलेट के एग्रेशन को रोकता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, इसके साथ साथ कोशिकाओं को रिवाइटलाइज और रीजनरेट कर सकता है, फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाता है, राइट। अब बात करते हैं हम डिटॉक्स फुट पैच की। इसे आप रात भर लगाकर छोड़ते हैं पैर के तलवे में, सुबह जब आप निकालते हैं तो काला चिपचिपा बदबूदार, जिसमें जिस हिसाब से टॉक्सिन्स है उस हिसाब के टॉक्सिन्स को डिटॉक्स फुट पैच निकालता है आपकी बॉडी से। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और हेल्दी रहने में मदद करता है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन्स नहीं रहेगा तो हम कैसा फील करेंगे, बहुत ही बेहतर फील करेंगे। फाइबर की बात करें तो आज आप हर जगह क्या सुनते हैं कि फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, रेशेदार भोजन करना चाहिए, लेकिन आज हमारे खाने में रेशा गायब हो चुका है। सो वेस्टीज फाइबर एक बहुत ही अच्छा सलूशन है। इसमें 3 सॉल्युबल फाइबर हैं, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्सट्रिन और गुरा गम, जो लो इन कैलोरी और हाई इन फाइबर हैं, आपके पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ सॉल्युबल फाइबर हैं जो आपके वेट को मैनेज करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जब आप फाइबर लेते हैं तो ये आपके पेट को भरा हुआ रखता है। अब बात करें आई सपोर्ट की, तो जिस हिसाब से आज के समय में लैपटॉप फोन टीवी का यूज बढ़ गया है, क्या हो रहा है, किस पर असर आ रहा है, आंखों पे असर आ रहा है। सो मैरीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है आपके आई सपोर्ट में, जो आंखों की सेहत को बेहतर करता है, आई साइट को इम्प्रूव करता है, नाइट विजन, रतौंधी जैसी समस्या से बचाता है और आंखों में जो जलन हो रही है, पानी आ रहा है, उसको भी दूर करने में मदद करता है।
वुमेन्स हेल्थ की बात करें तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वेस्टीज लेके आता है शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स महिलाओं के गर्भाशय के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। क्वीन ऑफ हर्ब्स का इसको टाइटल मिला हुआ है। औषधियों की महारानी माना जाता है। हार्मोन लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही साथ चाहे वो टीनेज हो यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा हो या फिर मेनोपॉज हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो रहे हो, पीरियड स्टॉप हो रहे हो, उनमें सपोर्ट करता है। एस्ट्रोजन लेवल को बेहतर करता है। साथ ही साथ प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, मेंस्ट्रुएशन के समय जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर पीरियड साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं या फिर हार्मोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप क्या दे सकते हैं? शतावरी मैक्स दे सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा अगले प्रोडक्ट की बात करें तो आयरन एंड फॉलिक प्लस, ये क्या करता है? ये खून की मात्रा को बढ़ाता है, राइट? हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है, जिसे आप कहते हैं शरीर में खून की मात्रा, उसको बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें जिंक भी मौजूद है जो ऑस्टियोपोरोसिस से महिलाओं को बचाता है। महिलाओं के लिए परम मित्र है आयरन एंड फॉलिक प्लस, उन्हें जरूर लेना चाहिए क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन तीनों ही समय में उन्हें इसकी बहुत आवश्यकता होती है। यूटीआई इन्फेक्शन की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं, लेकिन फीमेल में पेशाब की नली का इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। इसके लिए आता है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी की अगर हम बात करें तो ये मेंटेन करता है आपके ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें डी मैनोज नाम की शुगर होती है जो बार बार इन्फेक्शन हो जाता है यूटीआई का, उसको भी रोकने में मदद कर सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही क्रैनबेरी ले सकते हैं। सिर्फ वुमेन्स हेल्थ में इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। अब बात करते हैं हेयर स्किन एंड नेल्स की, तो नाम से पता चल रहा है बालों को, नाखूनों को और त्वचा को बेहतर करने में मदद करेगा। बालों को घना करने में, बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकेगा, स्किन को बेहतर करेगा और नाखूनों को मजबूत और शाइनिंग देगा। अब बात करते हैं जॉइंट्स एंड बोन की हेल्थ की, तो हड्डियां जरूरी हैं हम सबके लिए, लेकिन आज अर्थराइटिस, ऑर्थो अर्थराइटिस, जॉइंट पेन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन नई कार्टिलेज को बनाने में, मौजूदा कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है, जोड़ों की चिकनाई को बना के रखता है, सनाइवल फ्लूइड जिसे ग्रीस कहते हैं जोड़ों का, उसे बेहतर करने में मदद करता है, सूजन को भी कम करने में मदद करता है। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हम सबको पता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों की समस्या को दूर करने के लिए और साथ ही साथ बोन डेंसिटी को बेहतर करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। कोलाजन, कोलाजन रोज स्विप एक्सट्रैक्ट विटामिन सी से मिलकर बना है जो बॉडी के वाइटल कोलाजन को रिप्लेनिश करता है, राइट? जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है। अगर किसी में गठिया या बाई की दिक्कत होती है तो उन्हें क्या शिकायत आती है? जकड़न की समस्या आती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, ऑर्थोआर्थराइटिस की समस्या, इन सारी चीजों को दूर करने में आपकी कोलाजन मदद कर सकता है। अब बात करते हैं आयु शांति कैटेगरी की। सो आयु शांति, लेट्स टेक आयुर्वेदा टू अ ग्लोबल लेवल। आयुर्वेदा क्या है? आयुर् मतलब जीवन, वेदा मतलब विज्ञान, यानी जीवन से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वो है आयुर्वेदा। और उसके लिए प्रोडक्ट है, उसी पे बेस प्रोडक्ट है आपके आयु शांति कैटेगरी के, जिनके नाम के साथ काम का पता चलता है। ग्लूको हेल्थ की अगर हम बात करें तो ग्लाइसेमिक हेल्थ को, शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, पेंक्रियास को मजबूत करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को बेहतर करके आपके जो ग्लूकोज के बढ़ने के कारण बॉडी पे साइड इफेक्ट आ रहा है उसे भी बचाने में मदद करता है। प्रोकार्ड, प्रोकार्ड हृदय के लिए टॉनिक का काम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। टॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिन कोलन को क्लीन करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कब्जियत में राहत दिलाता है, अच्छी स्किन को ला देने में भी आपकी मदद करता है। वाइटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वाइटल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को खराब करके आपको जल्दी बीमार कर सकते हैं या बूढ़ा कर सकते हैं, उनसे बचाने में मदद करता है और साथ ही साथ विदस्टैंड करता है स्ट्रेस के साथ। आप सबको पता है कि तनाव कितना ज्यादा खतरनाक है, सो उस तनाव को दूर करने में, रिलैक्स करने में भी वाइटल कॉम्प्लेक्स हमारी मदद कर सकता है। किडनी हेल्थ की बात करें तो ये स्टोन ब्रेकर की तरह काम करता है, पथरी को तोड़ने का काम करेगा। अगर किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में पथरी है तो आप किडनी हेल्थ दे सकते हैं, किडनी को छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में तोड़ देगा, डाययूरेटिक होता है, यूरिन के रास्ते से पास आउट हो जाएगा, साथ ही साथ दोबारा होने से भी पथरी को रोकने में किडनी हेल्थ मदद करता है। अब
बात करें लीवर हेल्थ की, तो लीवर को बेहतर करेगा, लीवर के एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। रेस्पो केयर अस्थमा या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कमजोर हो चुके फेफड़े हैं, आप क्या दे सकते हैं, रेस्पो केयर दे सकते हैं, म्यूकस को तोड़ने में भी मदद करेगा। राइट, सो यहाँ तक हमने कवर किया, आपको प्रोफाइल बताई आपके हेल्थ केयर कैटेगरी की, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसकी आपने ओवरव्यू दिया है। इसके अलावा आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से दिया जा सकता है, तो हम दिन भर आपके लिए बहुत सारे सेशन करते हैं, आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं दोपहर 12 बजे, दोपहर में 2:30 बजे और शाम के 6 बजे। राइट, सो आज हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, आज होने वाले नए लॉन्च प्रोडक्ट की। कौन सा वो नया लॉन्च प्रोडक्ट है मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। एंड ओवर टू विकास सर। विकास, अब आपको आगे की जानकारी विकास सर देंगे। सो विकास सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की हमारे हेल्थ केयर के सप्लीमेंट्स की, और जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास 14 कैटेगरीज में हमारे पास 300 से ज्यादा हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद है। तो अगली कैटेगरी में आप लोग लेकर आपका वॉटर फैट, जो आपके और आपके परिवार को पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्वच्छ पानी देने का वादा करता है, आपके लिए शार्प का वाटर पिच प्यूरिफाइंग पिचर लेकर के आते हैं। इसके साथ आप लोग लिए शार्प का एयर प्यूरिफायर लेकर के आते हैं, जो कि आपके और आपके परिवार को स्वच्छ हवा देने का वादा करता है। अब आ जाते हैं हमारे हेल्थ फूड सेगमेंट की। हेल्थ फूड कैटेगरी में जो पहला प्रोडक्ट आपके सामने आता है वो आता है आपका राइस ब्रेन ऑयल, जो कि आपका WHA प्रमाणित है, NIN प्रमाणित है, AHA प्रमाणित है। इसके साथ आप लोग लिए हम लोग ऑलिव ऑयल लेकर के आते हैं, जो कि आपका ग्लूटेन फ्री है, GMO फ्री है, साथ साथ ये आपका एंटीऑक्सीडेंट और आपका गुड फैट से भरपूर है। आप लोग लिए जीटा स्पेशल टी लेकर के आते हैं, जीटा टी बैग्स लेकर के आते हैं, जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके साथ आप लोग लिए हम लोग जीटा कॉफी लेकर के आते हैं, जीटा गैनो कॉफी लेकर के आते हैं, मैक्स 2-in-1 जीटा गैनो कॉफी, जो कि आपका इसमें आपको गैंडरमा मशरूम के एक्सट्रैक्ट मिलते हैं और हम लोग के सेहत को फायदेमंद बना, सेहत को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए हम लोग इनव्यू का न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर लेकर के आते हैं, जो कि आपका DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है और बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत अच्छी मदद करता है। आप लोग ने फ्रेशनम ड्रिंक लेकर के आते हैं इनव्यू का, जो कि आपका विटामिन सी और जिंक का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही आपको ऑरेंज के डिलीशियस फ्लेवर में मिलता है। चोको फ्लेक्सिस बार लेकर के आते हैं, साथ ही साथ आप लोग के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेकर के आते हैं। अब बारी आती है हमारे ओरल केयर सेगमेंट की। ओरल केयर सेगमेंट में आप लोग के लिए हम लोग माउथ वॉश लेकर के आते हैं, दो प्रकार के टूथपेस्ट लेकर के आते हैं, दो प्रकार के टूथब्रशेज लेकर के आते हैं, साथ ही साथ लेकर के आते हैं आपके गैनो टूथपेस्ट, जो कि हम लोग के दांतों मसलों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में हम लोग की मदद करते हैं। अब बारी आती है आपकी पर्सनल केयर सेगमेंट की। पर्सनल केयर सेगमेंट में जो पहला सब सेगमेंट आपके सामने आता है वो आता है आपका हेयर केयर का। हेयर केयर में आप लोग लिए 3 प्रकार के शैम्पू लेके आते हैं, ऑयली बालों के लिए, डैमेज बालों के लिए, सभी प्रकार के बालों के लिए। आप लोग लिए हेयर कंडीशनर लेके आते हैं, हेयर स्पा लेकर के आते हैं, हेयर ऑयल लेकर के आते हैं। स्किन केयर कैटेगरी में आप लोग लिए एश्योर का क्लेरिफाइंग फेस वॉश लेके आते हैं, एंटीजिंग नाइट क्रीम लेकर के आते हैं, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक लेकर के आते हैं, फेयरनेस क्रीम लेकर के आते हैं, एक्सलोटिंग स्क्रब लेकर के आते हैं, फेशियल मसाज क्रीम लेकर के आते हैं, बीबी क्रीम लाते हैं आप लोग के लिए, प्योरीफाइंग क्लिनजर टोनर लाते हैं, डेली मॉइस्चराइज लाते हैं, SPF 30 लेकर के आते हैं, शेविंग क्रीम लेकर के आते हैं, एलो कुकुम्बर एक्वा जेल लेकर के आते हैं, 10 क्लियर फेस पैक लेकर के आते हैं आप लोग के लिए। बॉडी केयर कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग बॉडी पॉलिश, बॉडी वॉश, बॉडी बटर, बॉडी लोशन लेकर के आते हैं, मेंस और वुमेंस के लिए टेलकम और डिओडोरेंट लेकर के आते हैं, फुट क्रीम लाते हैं आप लोगों के लिए, परफ्यूम लेकर के आते हैं 3 फ्रेग्रेंस में, आर्कटिक और पल्स में। इसके साथ आप लोग के लिए हम लोग मॉइस्चराइजिंग सोप लाते हैं, कॉम्प्लेशन बाल आते हैं, हैंड वॉश लेकर के आते हैं, क्लिनजिंग बाल आते हैं, एश्योर का पॉकेट डियो लेकर के आते हैं 3 फ्रेग्रेंस में, और सेल्फ केयर कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग वेस्ट केयर की स्ट्रेस रिलीफ क्रीम लेकर के आते हैं। इसके बाद आती है हमारी वुमेन हेजिंग कैटेगरी की। वुमेन हेजिंग कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग ड्यूगार्डन का फोमिंग इंटीमेट वॉश लेकर आते हैं, साथ ही साथ सैनिटरी नैपकिन लेकर के आते हैं। अब बारी आती है हमारी हाईवेस्ट रेंज की, जो कि हमारी होम केयर की रेंज है। इस कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग अल्ट्रामेटिक लेकर के आते हैं कपड़ों की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा शील लेकर के आते हैं घर को कीटाणुमुक्त बनाने के लिए, अल्ट्रा वॉश लेकर आते हैं लिक्विड डिटर्जेंट कपड़ों की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा स्क्रब लेकर के आते हैं बर्तनों की साफ सफाई के लिए,
अल्ट्रा स्वैब लेकर के आते हैं फ्लोर की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा शाइन लेकर के आते हैं ग्लास की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा गार्ड लेकर के आते हैं टॉयलेट की साफ सफाई के लिए। अब आ जाती है आपकी एग्री कैटेगरी की। एग्री कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग एग्री 82 लेकर 82 लाते हैं, एग्री ह्यूमिक लाते हैं, एग्री बायफंगिसाइड लाते हैं, एग्री मॉस लाते हैं, एग्री नैनोटेक लेकर के आते हैं, एग्री गोल्ड लेकर के आते हैं और साथ साथ लेकर के आते हैं एग्री केमिक ग्रैनुल्स। ये प्रोडक्ट्स आप लोग की फसलों की पैदावार को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में आप लोग की मदद करते हैं। इसके साथ जो आप खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा क्षमता को भी ये प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में आप लोग की मदद करते हैं। अब आ रही आती है आपकी ट्रूमेन कैटेगरी की। ट्रूमेन कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग ट्रूमेन का फेस वॉश लाते हैं, ट्रूमेन का शेविंग जेल लाते हैं, ट्रूमेन का बाथिंग बार लाते हैं, ट्रूमेन का डिओड्रेंट लेके आते हैं। अब दोस्तों बारी आती है आपके मिस्ट्रल ऑफ मिलान की, जो कि हमारी कॉस्मेटिक रेंज है। इस कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग कई प्रकार की लिपस्टिक लेकर के आते हैं, लिप ग्लॉस लेकर के आते हैं, डिफाइंड लिप लाइनर लेकर के आते हैं, आप लोग के लिए हम लोग मैटे लिप्स लाते हैं, लिप चबी लेकर के आते हैं, वाटर प्रूफ लिक्विड आई लाइनर लेकर आते हैं, आई लाइनर लाते हैं ब्लैक में, पेंसिल में, इस तरह डिफाइंड काजल लेकर के आते हैं, मस्कारा लेकर के आते हैं, आई शेडो लेकर के आते हैं, कॉम्पैक्ट लूज पाउडर लाते हैं, लिक्विड फाउंडेशन लेकर के आते हैं, ग्लो ब्लश लाते हैं, कंसीलर लेकर के आते हैं, फेस एंड आई मेकअप रिमूवर लेकर के आते हैं। इसके साथ आप लोग के लिए हम लोग तीन प्रकार के नेल लक के लाते हैं और नेल पॉलिश रिमूवर लेकर के आते हैं, और साथ ही साथ मेकअप को फाइन फिनिश देने में जो मदद करते हैं वो तीन प्रकार के ब्रशेज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। अब आ रही आती है आपकी स्किन फॉर्मुला 9 कैटेगरी की, जो कि हमारी प्रीमियम स्किन रेंज है। इस कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग यूथ एलेक्सर लाते हैं, हाइड्रेशन क्रीम लाते हैं, ब्लेमिश जेल लाते हैं, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, डीप क्लींजिंग ऑयल लेकर के आते हैं, अंडर आई सीरम लेकर के आते हैं। अब दोस्तों बारी आती है आपके बेस्ट डील की। बेस्ट डील आप लोग के लिए ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जहां से कि हम लोग हमारे घर का सामान खरीद सकते हैं। सामान लेने का फायदा 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलता है, पैन इंडिया एक्सपर्ट डिलीवरी है, यानी कि सामान हम लोग घर पे मंगा सकते हैं, एक्टिव कस्टमर सर्विस है, ग्रेट डिस्काउंट्स हैं, इजी रिटर्न पॉलिसी है। इसके साथ सबसे खास बात कि हम लोग यहाँ से जो जितना भी जितने भी मूल्य का जितने भी अमाउंट का हम लोग सामान परचेज करते हैं वो अमाउंट वो मूल्य हमारे बिजनेस में अकाउंट होती है और उसमें हम लोग को पीवी और बीवी दोनों मिलता है। यहाँ से हम लोग अपने घर का कोई सा भी सामान परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मोबाइल है, होम अप्लायंसेज है, हेल्थ केयर बैकपैक्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, क्लोथिंग, ड्राईफ्रूट, फुटवेयर, ट्रैवल एसेसरीज, या फिर घर का कोई सा भी सामान जिसमें कि आपका आटा, दाल, चावल, चीनी तेल, मसाले वगैरह, वो सब सामान हम लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस्तेमाल करना बहुत आसान है, या तो हम लोग वीबीडी के ऑफलाइन स्टोर यानी कि जो भी हमारे घर के पास में होगा वहां पर जाकर के हम लोग हमारा सामान परचेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग वीबीडी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल के प्ले स्टोर से या फिर अपने एप्पल के ऐप स्टोर से। उसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट आईडी से उनको उसमें लॉग इन करना है, उसके बाद हम लोग को परचेस करनी स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों अब बारी आती है हमारे उस सेक्शन की, यानी कि उस प्लेटफॉर्म की जहाँ पे कि जो कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि हम लोग को एक अवसर देता है, जहां से कि हम लोग अपने जीवन में आर्थिक बदलाव लेकर के आ सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें इस प्लेटफॉर्म की यानी कि इस पार्ट की, तो ये पार्ट आता है हमारा आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों आप लोग हम लोग लेकर के आते हैं वेस्टीज मार्केटिंग प्लान, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान, जो कि आपका फोर फोल्ड का बोनस मार्केटिंग प्लान है। ये आपका एक्युमुलेशन के ऊपर बेसिस है, यानी कि ये जो प्लान है ये आपका जुड़ते हुए क्रम में हमेशा आगे बढ़ता है। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशंस होते हैं, डिमोशंस नहीं होते, क्योंकि वेस्टीज में हम लोग सिर्फ हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा से प्रमोशंस ही होते हैं। हम लोग कभी जीरो भी नहीं पहुंचते हैं, इसके बाद हम लोग कभी रिक्वालीफाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक लेवल जो हम लोगों ने एक बार क्वालिफाई कर दिया वो हमारा लाइफ टाइम बना ही रहता है। इसके साथ यहाँ पे हम लोग को मिलता है डायरेक्टर बोनस, यहाँ पे मिलता है हम लोग को लीडरशिप बोनस, और कभी कंपनी हम लोगों से रिन्यूअल फीस भी नहीं मांगती है, क्योंकि जब ज्वाइनिंग फीस नहीं है तो रिन्यूअल फीस किस बात की। इसके साथ ये बना है किस लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पे मिलती है हम लोग को 9 प्रकार की आमदनियां, यानी कि 9 वेज ऑफ इनकम। सबसे पहली आती है हमारी सेविंग ऑन कंजप्शन, जो हम लोग को मिलता है 10-20%। उसके बाद हम लोग को मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, जो हम लोग को मिलता है 5-11%। ग्रोथ डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड हम लोग को मिलता है 5%, कार फंड हम लोग को मिलता है 5%, हाउस फंड हम लोग को मिलता है 5%, और इसके साथ जो एलीट क्लब बोनस है वो हम लोग को मिलता है 2%। तो दोस्तों इन आमदनियों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहली आमदनी हमारी आती है सेविंग ऑन कंजप्शन। और जब भी हम लोग बात करते हैं सेविंग ऑन कंजप्शन की, तो सेविंग ऑन कंजप्शन का मतलब होता है खपत पे बचत। तो छोटा सा सवाल आता है कि किस चीज की खपत और किस चीज की खपत पे बचत। तो हमारे बीच में जितने भी हमारे नए दोस्त होंगे वो अपने घर का सामान कहीं ना कहीं से परचेस कर रहे होंगे। घर का सामान जैसे कि खाना बनाने का तेल, नहाने का साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, चाय पत्ती, ये सारे सामान वो कहीं ना कहीं से परचेस कर रहे होंगे। कहाँ से कर रहे होंगे? वो कर रहे होंगे किसी दुकान से, किसी कंपनी का। और दोस्तों जहां से भी वो सामान लेते हैं वहां से सामान मिलता है किस पे? उनको सामान मिलता है एमआरपी पे। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि वो मूल्य जो कि अंकित होता है, मुद्रित होता है उस उत्पाद के ऊपर। यानी कि जो भी सामान हम लोग परचेस करेंगे, जो भी सामान हम लोग खरीदेंगे, वो सामान हम लोग को मिलेगा एमआरपी पे। यानी कि दुकानदार हमको किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं देता है। इनफैक्ट
जिस भी कंपनी का वो व्यक्ति सामान ले रहा होगा वो कंपनी भी कभी उसको डिस्काउंट नहीं देती, फिर भी सामान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामान हमारी जरूरत है, सामान के बिना हम लोग अपने जीवन के बारे में नहीं सोच सकते। चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल पूछते हैं हम लोग अपने आप से। पहला सवाल कि हम लोगों ने आखिरी बार पेस्ट कब किया होगा? जवाब मिला सवेरे। आखिरी बार चाय कब पी होगी? सवेरे। जिस कप में चाय पी वो कप साफ किया होगा? सवेरे। आखिरी बार नहाए कब होंगे? सवेरे नहाए होंगे। आखिरी बार हम लोगों ने डिओड्रेंट कब लगाया होगा? मॉर्निंग में लगाया होगा। महिलाओं के लिए उन्होंने आखिरी बार कॉस्मेटिक कब इस्तेमाल करी होगी? मॉर्निंग में करी होगी। खाना कब खाया होगा? सवेरे खाया होगा। तो यानी कि सारे के सारे काम हम लोग डेली करते हैं, उन कामों को करने के लिए हम लोग को किसी न किसी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की जरूरत महसूस पड़ती ही पड़ती है। और ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट हम लोग लिया करते थे किसी दुकान से, किसी कंपनी का, लेकिन वहां से सामान लेने के बाद हमारे आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। यानी कि सामान लेने से पहले भी मैं 10-15 रुपए कमा रहा था, सामान लेने के बाद भी मैं 10-15 रुपए ही कमा रहा हूँ। तो क्यों ना मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखूं, एक ऐसा अवसर देखूं जहां पे कि मेरे को सामान, वही सब सामान खरीदूं और सामान को खरीदने के बाद मेरे को बाकी के अपनी इनकम यानी कि बाकी की आमदनियां कमाने का भी मौका मिले। और दोस्तों वो आपको अपॉर्चुनिटी, ये अवसर आपको देता है वेस्टीज। तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को सिर्फ एक समझदारी भरा काम करना है। समझदारी भरा काम हम लोगों को ये करना है कि हम लोग को अपनी दुकान बदलनी है और दुकान बदलने के बाद सामान लेना शुरू करना है वेस्टीज से। सामान सब कुछ वही लेना है जो कि आज की तारीख तक हम लोग लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग लेंगे वेस्टीज से तो वेस्टीज हमको सामान देगा किस पे? वेस्टीज हमको सामान देता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे यानी कि डिस्काउंट पे। और जो डिस्काउंट हम लोग को मिलता है ये मिलता है हम लोग को 10-20%। और आमतौर पर वैसे हम लोग कितने का लेते होंगे, वैसे डिपेंड करता है परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। हो सकता है 5,000 रुपये, हो सकता है 10,000 रुपये, हो सकता है 15,000 रुपये। तो अगर हम लोगों ने इसको माना 5,000 रुपये, तो आज तक क्या किया था? 5,000 रुपये मूल्य का यानी कि 5,000 रुपये एमआरपी का सामान लिया था, 5,000 रुपये एमआरपी में। लेकिन फिर अपनी दुकान बदली और दुकान बदलने के बाद सामान लेना शुरू किया वेस्टीज से, तो वेस्टीज नहीं दिया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जो कि है आपका 10-20%। इस 10-20% को अगर हम लोग एवरेज माने 15%, तो पूरे एक महीने में हम लोगों ने उसी सब सामान की खरीद में बचाए हैं कितने? 15×75 यानी कि 750 रुपये। अगर हम लोग पूरे साल का निकालें तो दोस्तों हम लोगों ने बचाया है, कमाया है पूरा 9,000 रुपये। यानी कि 12 महीने में हम लोगों ने 9,000 रुपये कमाया है, बचाया है सिर्फ एक काम करके, वो काम है आपका दुकान चेंज करने का। सामान सब कुछ वही परचेस किया, लेकिन जब किया वेस्टीज से, तो वेस्टीज ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। और यहां से आती है हमारी पहली आमदनी, जिसको कि हम लोग कहते हैं खपत पे बचत यानी कि सेविंग ऑन कंजप्शन। इसके बाद आज तक जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने सामान लिया होगा किसी और दुकान से, तो वहां पे सामान के उपयोग के साथ ही हमारा हमेशा पैसा खत्म हो जाता था। लेकिन नया तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज माने किसी ने चाय पत्ती ली, अपनी गाड़ी कमाई लगा के चाय पत्ती खरीदी। अब इसके बाद जैसे इसने चाय बनाई तो छन्नी में बची जो चाय पत्ती होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मतलब लॉकर में रखते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग उसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यानी कि हम लोगों ने जैसी चाय बनाई यानी कि जैसे अपने सामान का उपयोग किया, इस्तेमाल किया, वैसे ही हमारा पैसा खत्म हो गया, वो कूड़ेदान में चला गया। चलिए कोई बात नहीं, एक दूसरा प्रोडक्ट या एक दूसरा उत्पाद लेते हैं। सपोज मानिए आपने टूथपेस्ट लिया, दोबारा अपनी गाड़ी कमाई लगा करके आपने टूथपेस्ट खरीदा, उसके बाद जैसे ही आपने सवेरे पेस्ट किया तो आपका पैसा कहाँ गया? बिल्कुल सही, आपका पैसा नाली के पानी के साथ बह गया। यानी कि जब भी हम लोग सामान लेते हैं किसी और कंपनी का, किसी और दुकान से, तो वहां से सामान के उपयोग के साथ ही, सामान के इस्तेमाल के साथ ही हमारा पैसा खत्म हो जाता है। वो या तो हम लोग उठा के कूड़ेदान में फेंक देते हैं या फिर वो नाली के पानी के साथ बह जाता है। लेकिन जब वही सब सामान हम लोग लेते हैं वेस्टीज से, तो वेस्टीज हमको देता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे यानी कि डिस्काउंट पे, जहां से हमको मिली पहली आमदनी, जिसको हमने कहा सेविंग ऑन कंजप्शन यानी कि खपत पे बचत। उसके बाद जितने भी मूल्य का यानी कि जितने भी अमाउंट का हम लोग सामान खरीदते हैं, उस अमाउंट को कन्वर्ट किया जाता है पीवी में, और वहां से आती है आपके लिए दूसरी आमदनी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस यानी कि कार्य क्षमता भत्ता। यानी कि अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सामान का उपयोग करेंगे अलग और अपने साथ घर आमदनी लेकर के जाएंगे अलग। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग को दूसरी आमदनी मिलना शुरू होती है। अगर दोस्तों हम लोग इन स्लैब्स की बात करें, तो जब हम लोग आते हैं 1 से 599 पीवी के बीच में, तो हमको आमदनी मिलती है 5% के हिसाब से, 600 से 2399 आमदनी मिलती है 8% के हिसाब से, 2400 से 5499 आमदनी मिलती है 10% के हिसाब से, और 5500 के ऊपर हम लोग को आमदनी मिलना शुरू हो जाती है 11% के हिसाब से। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी सिर्फ दुकान बदली और उसके बाद जितने भी मूल्य का हम लोगों ने सामान लिया, उस मूल्य को कन्वर्ट किया पीवी में, और वहां से हम लोगों को ये दूसरी आमदनी मिलना शुरू हुई। इसके साथ जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्टीज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने परिवार के सदस्य का यानी कि वेस्टीजेंस के हमेशा हित के बारे में सोचती है, और यही वजह है कि आप लोगों को हमेशा एडिशनल एडवांटेजेस देती है। अगर हम लोग एडिशनल एडवांटेज की बात करें, तो दोस्तों 599 पीवी पहुंचने से पहले अगर हम लोग किसी भी एक सिंगल बिजनेस मंथ में 282 पीवी करते हैं, तो हम लोग को फास्ट स्टार्ट 8% का लेवल मिलता है। इसके साथ 5499 पीवी करने से पहले अगर हम लोग किसी भी एक बिजनेस मंथ में 4500 पीवी यानी कि 4500 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग सीधे बनते हैं फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर।
यहाँ पे देखा, बस हमने क्या किया, हमने अपनी दुकान बदली और दुकान बदलने के बाद हम लोगों ने सामान का अलग इस्तेमाल किया और आमदनी अपने साथ अलग से घर लेकर के हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगली आमदनी जो कि आती है आपकी ब्रांच डायरेक्टर बोनस, यानी कि जैसे हम लोगों ने 11% का लेवल पार किया और उसके बाद एक सिंगल बिजनेस मंथ में हम लोगों ने 2001 का बजट किया तो हम लोगों का लेवल होता है ब्रॉन्ज का, यहाँ पे हम बनते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और दोस्तों डायरेक्टर होता है कंपनी का हिस्सेदार यानी कि कंपनी का पार्टनर, और यहाँ पे हमको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आती है हमारी एक एक्सक्लूसिव आमदनी, एक ऐसी आमदनी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए है और ये मिलती है हम लोग को डायरेक्टर बोनस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के रूप में। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस की खास बात दोस्तों कि ये कंपनी के टोटल टर्नओवर का 4% है जो कि कंपनी हम लोगों को देती है, यानी कि हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को ये आमदनी मिलती है। इसके साथ हमारे वो दोस्त जो पहली बार इस महीने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करेंगे उन दोस्तों के लिए ऑब्वियसली हम लोग को ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करना है 2001 पीवी के माध्यम से, लेकिन जो पहली बार इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करेंगे यानी कि हम लोग जितने भी हमारे दोस्त हैं जो पहली बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे अपनी नॉन 11% टीम के माध्यम से, यानी कि हम लोग को अपनी 5-10% टीम के माध्यम से 2001 पीवी करना है और अपना ब्रॉन्ज का लेवल अचीव करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगली आमदनी हम आपके लिए लेकर के आते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस एक ऐसी आमदनी जो कि हमारे सिल्वर एंड अबव डायरेक्टर्स के लिए है। इस आमदनी की खास बात कि ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 14% है जो कि कंपनी हम लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बिजनेस बिल्डिंग बोनस के रूप में हम लोगों को दे रही है। और इस आमदनी को लेने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों को कम से कम सिल्वर लेवल अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, और सिल्वर हम लोग तब क्वालिफाई करते हैं, तब अचीव करते हैं जबकि हमारे टीम में एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग होती है और साथ में हम लोग अपना बाकी की टीम से यानी कि बाकी की नॉन 11% टीम से हम लोग अपना बिजनेस जनरेट करते हैं 1801 पीवी के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों एक और बेहतरीन आमदनी जो आपके लिए लेकर के आते हैं हम लोग, उसका नाम है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस LOB, एक ऐसी आमदनी जो कि हम लोग सिल्वर लेवल से लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ LOB की खास बात कि ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का अब 16% हो चुकी है, ये बढ़कर के अब 16% हो चुकी है जो कि कंपनी हम लोग को LOB के रूप में दे रही है। LOB जैसे कि आपको बताया कि सिल्वर लेवल से हम लोग लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और सिल्वर जब हम लोग अचीव कैसे करते हैं, हम लोग जब अपनी डाउन में एक व्यक्ति को अपनी टीम में एक व्यक्ति को क्वालिफाई करवाते हैं 2001 पीवी के साथ, यानी कि इसको एक व्यक्ति को हम लोग क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनवाते हैं और अपनी बाकी के डाउन 11% टीम के साथ हम लोग बिजनेस जब जनरेट करते हैं 1801 पीवी के साथ, तब हम लोग आपका सिल्वर लेवल अचीव करते हैं। और ऐसे में जो हमारी डायरेक्टर लेग है उसमें से जब हम लोग 5625 पीवी करना शुरू कर देते हैं यानी कि 5625 पीवी का बिजनेस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां से हम लोग को LOB मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगली आमदनी आपके दोबारा लेकर के आते हैं एक बहुत ही बेहतरीन आमदनी जिसको हम जानते हैं वेस्टी ट्रेवल फंड के नाम से। वेस्टी ट्रेवल फंड एक ऐसी आमदनी जो कि हम लोग सिल्वर डायरेक्टर लेवल से लेना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रेवल फंड की खास बात कि दोस्तों ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का अब 5% हो चुकी है, यानी कि ये भी आपकी बढ़ चुकी है और ये बढ़ करके अब हो चुकी है 5% कंपनी के टोटल टर्नओवर का। और अगर हम लोग बात करें ट्रेवल फंड की तो ट्रेवल फंड एक ऐसी आमदनी है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं विदेश यात्रा के लिए साल में 2 बार, एक आपका जनवरी फरवरी और एक आपका जुलाई अगस्त में वेस्टीज परिवार के सदस्य लगातार निरंतर ट्रेवल फंड के माध्यम से विदेश यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और देखते हैं कि आज की तारीख तक हम लोग कहां कहां घूम करके आ चुके हैं, तो आज की तारीख तक वेस्टीज परिवार लगभग पूरी दुनिया घूम करके आ चुका है जिसमें कि आपका स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसी लोकेशंस आपकी प्रमुख हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों से एक ही काम किया था हम लोगों ने, वो काम था आपका दुकान चेंज करने का। और दुकान चेंज करी और वेस्टी से सामान लेना शुरू किया और देखिए आज तक हम लोग कितनी आमदनी अपने साथ घर लेकर के जा चुके हैं। अगली आमदनी जो हमारा इंतजार कर रही है इसका नाम है कार फंड। कार फंड लेने के लिए हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है स्टार लेवल यानी कि स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर जब हम लोग अपनी टीम में 3 लोगों को 2001 पीवी के साथ क्वालिफाई करवाएंगे और अपनी बाकी की नॉन 11% टीम के साथ हम लोग जब बिजनेस जनरेट करेंगे 1001 पीवी का, तब हम लोग बनते हैं स्टार। और जब हम लोग बनते हैं स्टार डायरेक्टर तो दोस्तों इस लेवल को हम लोग 3 महीने लगातार कंटिन्यू मेंटेन करते हैं और यहाँ पे हम लोग को कार फंड मिलना स्टार्ट होता है। कार फंड की खास बात ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 5% है जो कि कंपनी हम लोग को कार फंड के रूप में देती है। इसके साथ कार फंड की खास बात और कि कार फंड हम लोग महीने का 80,000 रुपए तक ले सकते हैं, यानी कि 80,000 रुपए तक हम लोग कार फंड के रूप में ले सकते हैं ताकि हम लोग अपने सपनों की कार ले सके। और दोस्तों इसी कार फंड के माध्यम से आज वेस्टीज परिवार में लगभग 7,000 परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो कि अपनी खुद की सपनों की कार मेंटेन कर रहे हैं, और लगभग 300 परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो कि अपनी खुद की लग्जरी कार यानी कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी कार इस कार फंड के माध्यम से मेंटेन कर रहे हैं यानी कि इस कार फंड के माध्यम से ले चुके हैं। आगे बढ़ते हुए जो अगली बेहतरीन आमदनी आपके लिए आती है इस आमदनी का नाम हाउस फंड।
हाउस फंड लेने के लिए हम जब अपनी टीम में 6 लोगों को 2021 के साथ सफल बनाते हैं तब लेवल होता है हमारा क्राउन का, और जब इस लेवल को हम लोग लगातार 3 महीना मेंटेन करते हैं तब ये आमदनी हम लोग को मिलना स्टार्ट होती है। हाउस फंड की खास बात दोस्तों की हाउस फंड कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 3% होता है जो कि कंपनी हम लोग को हाउस फंड के रूप में देती है। साथ साथ हाउस फंड की खास बात और कि हाउस फंड हम लोग महीने का 1,00,000 रुपए तक ले सकते हैं, यानी कि 1,00,000 रुपए तक हम लोग महीने का हाउस फंड के रूप में ले सकते हैं ताकि हम लोग अपना सपनों का घर बना सके। इसके साथ दोस्तों एक खास बात और कि हाउस फंड के लिए सब भगवान न करे अगर हमारी 1,00,000 ने काम करना बंद कर दिया तब भी हमको हाउस फंड आता है, दूसरे ने काम करना बंद कर दिया तो भी हमको हाउस फंड आता है, यहाँ तक कि अगर 3rd या 4th लाख ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोगों को हाउस फंड आता है, क्योंकि हाउस फंड हम लोग के लिए ऐसी आमदनी है जो कि एक बार शुरू हो गई तो हमारी लाइफ टाइम चलती ही रहती है। इसके साथ एक और बेहतरीन आमदनी जो आपके लिए लेकर के आते हैं वो लाते हैं हम लोग एलीट क्लब बोनस। एलीट क्लब बोनस एक ऐसी आमदनी जो कि हम लोगों को मिलती है जब हम लोग अपना डबल क्राउन डेटर डबल इन्वेस्टर क्राउन डेटर्स का लेवल मेंटेन करते हैं। इस आमदनी की खास बात दोस्तों कि ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 2% है जो कि कंपनी हम लोगों को एलीट क्लब बोनस के रूप में देती है। साथ साथ इस आमदनी की एक खास बात और है दोस्तों कि ये आमदनी हम लोग महीने की मात्र 20,00,000 रुपए तक ले सकते हैं, यानी कि 20,00,000 रुपए तक हम लोग इस आमदनी के माध्यम से ले सकते हैं, और यकीन मानिए इस पैसे से हम लोग अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है और वो काम है आपका दुकान चेंज करने का, यानी कि हम लोगों ने क्या चेंज किया, हम लोगों ने चाय पत्ती शैम्पू कंडीशनर साबुन और बाकी के खाना बनाने का तेल और यही सब जो आपके प्रोडक्ट्स थे जो कि अब तक हम लोग अपने घर में इस्तेमाल कर रहे थे जब भी हम लोग लेना शुरू किया वेस्टीज से, तो वेस्टीज ने हम लोग को एक बहुत ही अच्छी अवसर दी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जहां से कि हम लोग अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं और अपने अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक रहा आज का हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे कि हम लोगों ने कंपनी के बहुत ही दमदार प्रोफाइल के बारे में समझा, हमारे विश्व स्तरीय उत्पादों के बारे में समझा, और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने समझा उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उस अवसर के बारे में जो कि हम लोग को एक अवसर देती है, हमारे जीवन को एक मौका देती है जहां से कि हम लोग अपनी काबिलियत को सिद्ध कर सकते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपार पैसा कमा करके सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि आज वेस्टीज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, एक प्रोडक्ट जिसका कि लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया गया है फेसबुक और आपके टेलीग्राम और आपका व्हाट्सएप के माध्यम से। ये इवेंट की आप लाइव लॉन्चिंग आप वेस्टीज के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके माध्यम से देख सकते हैं, और फिर साथ साथ आप उसको जो यूट्यूब का वेस्टीज का जो चैनल है उसके माध्यम से आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो आई थिंक शायद मैम को आपके साथ एक ट्रेनिंग शेड्यूल शेयर करना है तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने थैंक यू सो मच सर, मैंने चैट बॉक्स में डिटेलिंग डाल दी है, आज 2 ही सेशन हैं 2:30 बजे का और 6 बजे का, दोनों ही सेशन आज के न्यू प्रोडक्ट पे हैं। 2:30 बजे का सेशन 100 लोगों के लिए है और शाम को 6 बजे का सेशन है वो खास तौर से है 1,000 लोगों के लिए, और मैक ड्राइव एनर्जाइजर पे हम कर रहे हैं, नैनो एनर्जाइजर पे सेशन कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा हमें जानना है और ज्यादा से ज्यादा जो है इसे सक्सेसफुल बनाना है। सो मैंने आईडीज जो है वो आपके लिंक शेयर कर दिया है, सो आप उसके थ्रू हो सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम लोग 11:30 बजे हमारे एक बहुत ही नए दमदार प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में, स्टे ट्यून्ड। आप वेस्टीज के जो आपके यूट्यूब का चैनल है ऑफिशियल जो हैंडल है आप उसके माध्यम से और फेसबुक पेज पे आप इसकी लाइव लॉन्चिंग देख सकते हैं। हमारे को फाउंडर और हमारे डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद आज इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं हम लोग 11:30 बजे हमारे इवेंट आपके जो प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में। तब तक के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।